नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल फूड एंड ट्रेवल बाय रजनी सैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी स्ट्रीट फूड चाउमीन, वो भी घर में इजीली बनाए, बहुत आसान है बनाना और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलो करते हैं उसकी तैयारी। उसके लिए हमने लिया है चाउमीन। ये चाउमीन जो है ये बाजार में मिल जाती है, ऐसे पैकेट मिलते हैं, ऐसे मैंने दो पैकेट लिए हैं। और यहीं पे लिए हैं मैंने कुछ सब्जियां, जिसमें ली है मैंने प्याज, शिमला मिर्च, और ये रेड और येलो कलर की शिमला मिर्च है, ये बंद गोभी, गाजर। वेजीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहीं साथ में लिए है मैंने ग्रीन सॉस, ये है रेड सॉस, ये जो हम केचप है, और ये है हमारी सोया सॉस। यहाँ पे लिया है नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये अजीनोमोटो है, थोड़ा सा सिरका। ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ 4 से 5 लोगों के लिए। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो चाउमीन है हम इसे बॉईल करने रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पहले ही पानी गर्म करने रख दिया था। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, और इसमें साथ साथ में डालेंगे हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालेंगे ताकि जो हमारी चाउमीन है वो चिपके नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे। और जो पानी है हमें तेज गर्म लेना है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है। और पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम ये चाउमीन। हमें जब ये डालें ना तो इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा खोल दें, नहीं तो इसमें क्या है नॉट्स बन जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, और इसको हल्का हल्का सा हमें हिलाना है। इसको एक बात का ध्यान रखना है, इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है। उससे क्या होगा कि जब इसको हम वेजी के साथ पकाएंगे तो ये चिपक चिपक जाती है, तो इसलिए इसको हमें सिर्फ 80% पकाना है और इसको बीच बीच में हल्का हल्का हिलाना है। तो चलो इसको बॉईल होने देते। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको बॉईल किया था, बॉईल पानी में डाला था, अभी अच्छे से बॉईल हो गई है। और इसकी पहचान क्या है कि ये ना डबल हो जाती है, और जैसे ही इसको मैं हल्का सा प्रेस करूंगी तो ये ऐसे टूट जाएगी। तो इसको हमें अब निकाल लेंगे, और इसको जब निकाल लेंगे तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसे हमें ठंडे पानी में वॉश करना है, नहीं तो क्या होगा ये अपनी ही हीट से पक जाएंगी और फिर वो सारी घुट जाएंगी। इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे ठंडे पानी में वॉश कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसको मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथ से करना है, ज्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, अब इसको थोड़ी सी देर हम ठंडा होने रख देंगे। दोस्तों वहां पे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी वेजीज की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है और 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज। इसको हमें हल्का सा पिंक कलर तक भूनना है, ज्यादा इसको हमें फ्राई नहीं करना है। अब इसके साथ साथ डालेंगे इसमें गाजर, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ये देखिए गाजर और प्याज हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ये कैप्सिकम डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। बच्चे वेजी वैसे तो नहीं खाते हैं, लेकिन चाउमीन उनकी फेवरेट होती है, तो आप अपने बच्चों को इसी तरीके से वेजीज खिला सकते हैं कुछ स्पेशल बना के। अब इसमें हम डालेंगे ये बंद गोभी। फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे सॉस। यहाँ पे ये मैंने सोया सॉस लिया है, यहीं पे डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। और ये केचप। इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसमें डालेंगे हम नूडल्स। अब इसमें डालेंगे हम ये नमक। नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी डाल दिया था। और इसमें डालेंगे अजीनोमोटो, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नया डालें। मेरे को तो ये इस पैकेट के साथ ही आया था जिससे मैंने ये चाउमीन ली थी, तो उसी पैकेट के अंदर था। और साथ में डालेंगे ये सिरका। अब इसको हमें गैस की फ्लेम तेज रखनी है और इसको हमें सब चीजों को मिक्स करना है। फ्रेंड अगर आपसे एक पलटे से नहीं पलटा जा रहा हो तो आप दूसरे पलटे से हेल्प ले लें इससे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और बिल्कुल तैयार है हमारी बाजार जैसी चाउमीन, वो भी घर में। आप भी बनाएं और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।